अस्सलाम वालेकुम, जो मेरे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर पिक्चर को कैसे इंसर्ट जो है वो किया जाता है। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा एंड तक, ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो जो है वो वक्तन फवक्तन आपके इनबॉक्स में मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है एमएस एक्सेल, आपने फाइल ओपन की, उसके बाद आपने यहाँ इंसर्ट की टैब में आ जाना है। इंसर्ट की टैब में जब आप आएंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपने पिक्चर वाली ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा ब्राउजर की विंडो के कहाँ से आपने पिक्चर को जो है वो इंसर्ट करना है। तो जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई होगी उस फोल्डर को आप सिलेक्ट करेंगे, ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है आपने फोल्डर में से वो पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर सिलेक्ट करने के बाद, ये दो पिक्चर्स हैं तो इसमें से मैं दिस वन, इसको जो है वो मैं सिलेक्ट करूंगी। इसके बाद इंसर्ट के बटन को क्लिक किया तो ये पिक्चर जो है ये इंसर्ट हो जाती है आपकी एमएस एक्सेल फाइल के अंदर। उसके बाद उसको जहां चाहें, जैसा चाहें आप जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो ये साइज आ रहा है। अगर आप इसको छोटा करना चाह रहे हैं साइज को, तो यहाँ से इसके कॉर्नर्स के ऊपर जब आप लाएंगे माउस का कर्सर, तो वहां पे एरो का लुक जो है वो चेंज हो जाती है। पहले आपको ये थिक वाला एरो नजर, प्लस का साइन नजर आ रहा है। जैसे ही कॉर्नर के ऊपर आएगा, सर्कल के ऊपर आएगा कॉर्नर के, उसके ऊपर जो है वो डबल साइडेड एरो बन जाता है। जैसे ही ये बन जाए तो माउस का लेफ्ट बटन जो है वो क्लिक करें, और उसके बाद ड्रैग करके उसको जहां पे भी आप लेके जाना चाहें, जितना साइज उसका रखना चाहें, ऐसे ड्रैग करके आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। साइज छोटा करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इसकी रोटेशन करनी है, यानी उसका एंगल चेंज अगर आपने किसी पिक्चर का करना है, तो यहाँ पे आप लेके आएंगे ये जो अपर वाली साइड पे सेंटर में, उसके ऊपर ये सर्कल एक ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसके ऊपर जब आप कर्सर लेके आएंगे तो ये देखिए इसका जो शेप है वो चेंज हो जाती है। राइट, सर्कल टाइप का वन साइडेड एरो जो है वो बन जाता है। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इसको आप जहां चाहें, जैसे चाहें जो है वो रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली, अब उसके बाद हम इसको फॉर्मेट किस तरीके से कर सकते हैं। इंसर्ट से हमने पिक्चर इंसर्ट की, उसके बाद हम ये फॉर्मेट की टैब पे आ जाएंगे, और ये पिक्चर आपकी सिलेक्टेड है नहीं सिलेक्टेड तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये डिफरेंट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इसके फ्रेम्स, ये ब्लैक कलर का फ्रेम है, ये थिक वाला फ्रेम है, इसके जिस तरह से आप चाहें, ये सर्कल है, ये मोर ऑप्शंस यहाँ है, जिस तरीके से आप चाहें, ये आप इसके ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं, ये पिक्चर बॉर्डर है। उसके बाद पिक्चर के इफेक्ट्स हैं, शेडो चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन चाह रहे हैं, ये मैं रिफ्लेक्शन, ये आपको रिफ्लेक्शन नीचे नजर आ रही है। इस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जिस तरह से भी आप चाहें, इस तरह से चाहते हैं तो बहुत से डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पिक्चर का लेआउट है कि पिक्चर का लेआउट आपको कैसा चाहिए, टेक्स्ट आपको साइड पे चाहिए। देखिए जिस पिक्चर के ऊपर आप यहाँ पे रखेंगे माउस का कर्सर, वो आपको वैसा नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी ये पिक्चर के ऊपर जो है वो टेक्स्ट लिखने के स्टाइल्स हैं, लेआउट्स हैं कि किस तरीके से होगा। यानी पिक्चर जो है वो बैक एंड इस पे मैं लेके आऊं तो ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे। ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो साइड पे पिक्चर्स आ गए, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल है, उसके बाद ये स्टाइल है, जो भी आप चाहें, ये डिफरेंट डिजाइन हैं आपके पास, जहां जैसा आप चाहें उस तरह से आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। ये रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करें तो इसको रीसेट हो जाता है, कन्वर्ट टू शेप्स भी हो जाता है। अगर आप कन्वर्ट टू शेप्स करें तो वही जो पिक्चर आपने कन्वर्ट की थी वो आपकी इस तरह से कन्वर्ट हो गई है शेप के अंदर। राइट, अब आप इसको जैसा चाहें, जहां चाहें जो है वो कर सकते हैं। यानी आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो फॉर्मेट से, ये पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद डिफरेंट फॉर्मेट से इसकी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगी, अलाइन मिल जाएगी, रोटेट मिल जाएगी, और बहुत सी डिफरेंट ऑप्शंस है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिस तरीके से वो चाहते हैं अपनी पिक्चर्स को एमएस एक्सेल के अंदर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह।